अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज और इसमें आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। ग्राफ क्या है? असल में ये एक तरह की लोकेशन डिसाइड करने के लिए है। लोकेशन से मुराद ये कि ये हमारा मरकज है, इस मरकज को हम मबदा भी कहते हैं। तो मबदा वो हुआ जो मरकज है, इस पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। लेकिन जब हम राइट साइड पे चलें तो इधर हमारा एक्स बढ़ता जाता है, और जाहिर बात है जब इधर से हम इस तरफ चलेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस होगा जी। जब मबदा से हम ऊपर जाते हैं तो ये वाई होता है, जब मबदा से हम नीचे आते हैं तो ये माइनस वाई होता है, वाई डैश। तो अब यहां जो इम्पोर्टेंट बात समझनी है आपने वो ये कि जब हमने अपने मतलब जोड़े जो आपने पढ़े थे आपको याद होगा, जैसे कि अभी यहां पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है कि आप ग्राफ पर जाहिर कीजिए ए को, ए नुक्ता है, इसे आपने ग्राफ पे जाहिर करना है, ये 2 और -4 है। अब देखिए मैंने ये ग्राफ बना दिया आपके सामने, तो 2 को और -4 को हम यहां जाहिर करेंगे। तो आपको पता है पहले डोमेन होती है और बाद में रेंज होती है। ये डोमेन है और डोमेन हमेशा याद रखें एक्स होगा और रेंज हमेशा वाई होगी। एक्स और वाई ये मतलब जोड़ा है, तो एक्स में क्या वैल्यू है? +2। तो देखें एक्स हमेशा इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है और वाई इस तरह वर्टिकल होता है। तो चूंकि +2 है तो गौर करें, मैं +2 साइड पे जाऊंगा, ये एक्स क्या हुआ 1 और 2, एक्स क्या हो गया 1 और 2। अब यहां पे एक्स क्या है 2, वाई के आगे -4। अब अगर तो वाई +4 होता तो हम इधर से ऊपर चले जाते। अब वाई चूंकि -4 है तो हम इधर से नीचे आएंगे 1, 2, 3, 4, दिस इज द पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है जी। ये ए पॉइंट है और कौन सा पॉइंट? ये इसमें 2 और -4 है जी, ये हमारा ए पॉइंट है। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करना चाहूंगा यहां पे कि आप समझें कि हम एक गेम खेल रहे हैं, हमने किसी जगह पहुंचना है, यहां हम 0-0 पे हैं और जब हमने पहुंचना होगा तो हम यहां से अपना सफर स्टार्ट करेंगे। आए एक बी पॉइंट है, उस पॉइंट में लिखा है जी 3 और 2। अब हमने इस जगह पहुंचना है तो जाहिर बात है जी बी पॉइंट कहां आएगा? 3, 2 पे। एक्स क्या है 3, वाई क्या है 2। अच्छा अब जरा चलते हैं एक्स, एक्स 3 है, मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा बताएं? +3 है ना, तो मैं इधर को जाऊंगा 1, 2, 3, इधर मैं चला गया। अब आगे +2 है कि -2 है? वाई +2 है। अगर -2 होता तो मैं इधर वाई माइनस नीचे है और वाई +ऊपर है, तो मैं 3 के बाद 1 और 2 पॉइंट चला गया, ये मेरे पास पॉइंट बी बना और बी पॉइंट में मेरे पास जो लोकेशन है वो 3, 2 है, एक्स में 3 और वाई में 2, बी पॉइंट। आई होप कुछ मुश्किल नहीं, आप आराम से बात समझ रहे होंगे। अब आए सी पॉइंट पे चलते हैं, सी पॉइंट है -5, -1। अब हमने यहां पहुंचना है, -5, -1 पे पहुंचना है, तो किस तरह पहुंचेंगे? क्योंकि देखें वो मेरे पास एक्स में -5 है, ये गौर किया आपने? तो अब मुझे बताएं मैं इधर को जाऊंगा या इधर को जाऊंगा? किधर को जाऊंगा? -5 है ना, तो इधर को जाऊंगा। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये -5 मैंने यहां पे मकदार ले ली, मैं पहुंच गया। अब -1 है तो मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे? -1 है तो मैं यहां इधर नीचे,
y माइनस नीचे आए, इधर आऊंगा और ये मेरे पास जो पॉइंट बना ये c बना, और c पॉइंट क्या है माइनस फाइव कॉमा माइनस वन। कुछ मुश्किल नहीं है, आए d पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। ये छह और तीन पे है तो आए छह गिनते हैं, x में छह है वन, ये जीरो है जी, आगे वन आएगा, ये वन नहीं है ये जीरो है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पॉइंटर रखें और थ्री ऊपर को आना है वन टू थ्री, सो दिस इज द पॉइंट डी, और डी पॉइंट में क्या है छ तीन, एक्स में छ वाई में तीन। ई पॉइंट फाइंड करते हैं जी, ई पॉइंट में है फोर फोर, तो फोर फोर देखें जरा, प्लस फोर एक्स इधर को प्लस होता है वन टू थ्री फोर, और वाई प्लस फोर तो प्लस ऊपर को अब वन टू थ्री फोर, दिस इज द पॉइंट ई एंड इट इज फोर फोर। एफ को फाइंड करते हैं, एफ पॉइंट कहां बनना है, ये माइनस तीन है कामा सात है, देखिए जी माइनस तीन, अब मुझे बताएं मैं राइट पे जाऊं कि लेफ्ट पे, माइनस तीन है वन टू थ्री, ये माइनस तीन हो गया, सात गिने नीचे के ऊपर, ऊपर जमा है जमा सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, दिस इज द पॉइंट एफ एंड इट इज माइनस थ्री सेवन। जी को देखते हैं जी, जी किस पॉइंट पे है, जी है जीरो सेवन पे, तो जीरो सेवन, अब देखें जीरो आ गया, y में सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो दिस इज पॉइंट g, ये जीरो सेवन है जी, x जीरो रहा ना, ना इधर को गए ना इधर को गए, अब आगे h और लास्ट, और उसमें है फाइव जीरो फाइव जीरो, अब देखें फाइव जीरो तो x फाइव है प्लस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, और y क्या है जीरो, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट बना H, ये है फाइव जीरो। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपने अच्छी तरह समझ लेनी है कि किस तरह से हम, इधर को x है इधर को माइनस एक्स है, ऊपर को y है नीचे को माइनस y है, तो इस तरह से हमने पॉइंट्स को लोकेट करना होता है। अब आपने कहना इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है, भाई तो गेम ही होगी ना, बैठ के बस लगे रहो। बड़ी मजे की बात आपको बताऊं मैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है, असल में वो सारा जो काम उसके ऊपर हो रहा होता है वो सारा काम ग्राफ बेस पे है, यानी उसमें पिक्सल्स होते हैं और उसमें रेजोल्यूशन होता है कि कितने पिक्सल्स हमारे पास विड्थ में है, कितने पिक्सल्स हाइट में है। जब हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो इस तरह वो पॉइंट डिफाइन होता है और बाद में वहां पे जाके वो अप्लाई होता है, तो ग्राफ के और भी बहुत सारे फायदे हैं। सो ये मैंने जस्ट एक प्रैक्टिकल आपको बताया कि इसका फायदा क्या है, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है जी, लिखा गया जो पहली जुज है, उर्दू में यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, लिखा है जी मबदा बताएं क्या है, तो मबदा ये हमजा है, तो मबदा क्या होता है याद रखें, ये मेरा हमेशा जो एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है इसको हम मबदा कह देते हैं। दूसरी जूस देखें, कहा जा रहा है ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर बाएं जानब, ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर बाएं जानब जो मबदा से पांच यूनिट्स के फासले पर हो। अच्छा, अब यहां ये खास बात समझें कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन आ गया, ये एक्स है ये एक्स माइनस है ये वाई है ये वाई माइनस है, ठीक है जी।
अब उसने कहा कि ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर, अब वाई को छोड़ दे, एक्स महवर की बात हो रही है, एक है इसका दायां एक है बायां, ये दायां है ये बायां है, तो बायां जानब क्या कहा जा रहा है, पांच यूनिट्स पर, तो एक दो तीन चार पांच यहां नुक्ता लगना है जी ये, और ये नुक्ता जो लगेगा अब इसका हमने बकायदा लिखना है, निकात के मुहद्दात लिखने हैं इसके, तो याद रखें एक्स फिर क्या हुआ माइनस फाइव, तो ये माइनस फाइव कॉमा वाई तो अपनी जगह पे है तो वो जीरो ही रहा, तो ये माइनस फाइव कॉमा जीरो इसका आ जाएगा कि ऐसा नुक्ता जो एक्स महवर पर क्या हो, बाएं जानब पांच पे हो। अब आते हैं तीसरे सवाल में, ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर दाएं जानब जो होता है, देखिए ऐसा नुक्ता ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ऐसा नुक्ता सेम एज एक्स महवर पर, अब यहां है दाएं, दाएं जानब जो मबदा से कितना हो, थ्री यूनिट्स, थ्री यूनिट्स के फासले पे हो, तो अब मुझे आप ये बता दें कि अगर एक्स में मैं दाएं साइड पे जाऊंगा तो तीन बन जाएगा ना, तो एक्स क्या आ गया तीन, और वाई को तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, वो जीरो ही रहेगा, तो थ्री कॉमा जीरो हमारे पास ये जोड़ा बन जाएगा, मतलब तब जोड़ा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, कहा जा रहा है ऐसा होता है वाई महवर पर एक्स महवर से ऊपर चार यूनिट्स हो, देखिए ना बात समझिए आपने, ऐसा नुक्ता है ये वाई महवर पर, ठीक है जी, किस पर है, वाई महवर पर एक्स महवर, ये लाइन को महवर कहेंगे ना, एक्स महवर से ऊपर चार यूनिट्स। अब कुछ बात आपको समझ में आई है, ये देखें ये मेरे पास कार्टेशियन प्लान आ गया, ये एक्स है ये एक्स माइनस है ये वाई है ये वाई माइनस है, कहा गया ऐसा नुक्ता वाई महवर पर, अब वाई महवर वाई लाइन की बात होगी, एक्स महवर से ऊपर, अब ऊपर जाना नीचे नहीं आना, एक दो तीन चार, अब मुझे बताएं यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो है, लेकिन वाई की वैल्यू प्लस फोर है, ऊपर है ना, तो प्लस फोर आ जाएगा, पांचवी जूस जी, ऐसा नुक्ता वाई महवर पर एक्स महवर से नीचे के छह यूनिट, तो ऐसा नुक्ता है ये जो हमने लेना है, तो है किस पर जी, ये y महवर पर ही है, y की लाइन पर ही है, अब x महवर से अब नीचे कहा जा रहा है कितने पॉइंट्स, छह पॉइंट्स और छह यूनिट्स, ठीक है, अब समझदार है भाई, ऐसा नुक्ता y महवर पर, अब y महवर में रहना है लेकिन x से नीचे छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो y माइनस छ और x क्या रहा, जीरो, तो जीरो माइनस छ इसका जोड़ा बन गया ये, तो ये हमने यहां बनाने थे जोड़े, तो ग्राफ पर भी आप इनको जाहिर कर सकते हैं भाई, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर तीन पे, क्वेश्चन नंबर तीन है और कहा गया कि आपने क्या करना है, तो ग्राफ पेपर पर अशकाल बनानी है आपने, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहां पहली जुज में, वो कहा गया कि भाई ए नुक्ता जो हमारे पास है वो सात कामा दो है, फिर जो बी नुक्ता हमने लेना है वो आएगा माइनस छ माइनस तीन पे, फिर जो हमने सी नुक्ता लेना है ये हमारे पास आएगा पांच तीन पे। अब देखें ये सी बराबर नहीं है जी, ये जहां सी लिखेंगे ऐसे सी और आगे जोड़ा, ये सी के बाद आगे साथ ही जोड़ा है, इसमें कोई बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सात दो है ना, तो सात दो को उसने जस्ट ए से रिप्रेजेंट किया है, सात दो को उसने ए से क्या किया है, रिप्रेजेंट। अच्छा अब देखें हमने क्या करना है, हम यहां क्या कर लेते हैं, इस तरह एक ग्राफ बना लेते हैं, ख्याली ग्राफ, ठीक है,
पहले है जी 7-2। अब देखें 7-2 नुकता लें आप पहले, तो 7-2 एक्स 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया, और y 2 पर आना है तो 1 और 2। तो ये देखें जरा इस तरह मैं जा रहा हूं और यहां जाके तो ये नुकता मिलेगा यहां पे, ये पहला मेरे पास ए पॉइंट आ गया जी। उसके बाद चलते हैं बी, बी फाइंड करना, -6 -3। अब एक्स क्या आना है, ये एक्स जमा का था, ये एक्स माइनस है, ये वाई जमा का है, ये वाई माइनस, -6 गिने अब, 1 2 3 4 5 6, ये -6 है एक्स, और -3 नीचे आएगा 1 2 3। अब इनको मिलाएं, ये बन गया जी। फिर आए 5 और 3 पे, तो एक्स 5 है तो गिने 1 2 3 4 5, और वाई 3 है तो 1 2, अब 3 ये ऊपर लाइन जानी है जी इस तरह करके, तो ये इधर जाके ऐसे मैच होना इधर, ठीक है। अब ये हमने नुक्ते बना लिए हैं, अब आप क्या करेंगे, उसने कहा इसको आप मिलाएं, अब तो आपने फुट्टे के साथ यानी कि आपने रूलर को यूज करना है और इस तरह आपने इनको आपस में मिला देना है, ये शेप आपकी पहली जुज की बनी। अब आ जाते हैं जी हम दूसरी जुज में, तो कहा गया है जो ए नुक्ता है हमारे पास वो है 0 -7, फिर जो बी नुक्ता है वो है जनाब 3 -2, फिर सी नुक्ता है ये है 4 0, फिर डी नुक्ता भी है इसमें और वो है 5 6, फिर हमारे पास यहां ई नुक्ता भी है तो ई जो होगा वो 7 8 पे होगा। जरा बड़ा बनाना पड़ेगा जी अब इसको। चले मैं अब क्या करता हूं, थोड़ा आपको ना ये कलरफुल किस्म के बना कर देता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। चले जी ए पहले बनाए 0 -7, अब आपको पता है ये एक्स है, ये एक्स माइनस है, ये वाई है, ये वाई माइनस, तो 0 -7, 0 तो वो रहा, -7 नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लग गया जी 7 पे नुकता, ये मैंने यहां पे ब्लैक को यूज कर लिया है, ये लग गया 7 -7 पे नुकता 0 -7। बी है 3 -2, 3 गिने 1 2 3, 3 और -2 गिने अब 1 2 -2, तो ये कहां जाके मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं जी, तो ये बन गया इधर नुकता, ठीक है। अब सी है 4 0, तो 4 y x में 4 है, 1 2 3 4, और 0 आपको पता है अपनी जगह पे ही रहा, ये y तो है वो तो अपनी जगह पे ही है इधर ही, तो ये हमारे पास बना 4 0 का पॉइंट। अब बनेगा पॉइंट 5 6 का, तो 1 2 3 4 5, और 6 y है, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखें यहां जाके ये मिल रहे हैं कैसे, ऐसे। तो अगर ये ग्राफ पेपर हो तो फिर आपको ये मिलाने की जरूरत नहीं होती बल्कि आप पॉइंट के ऊपर ही लिख देते हैं। ई है 7 8, 7 गिने 1 2 3 4 5 6 7, और वाई 8 गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखें इधर और ये जनाब इधर, तो ये नुक्ता हमारा इधर बनेगा, इधर नुक्ता बना। तो अभी जरा इसका हम ग्राफ देखते हैं, चेक करते हैं, देखें सबसे पहले तो ये आना है ऐसे, फिर आना है ऐसे, फिर आना है ऐसे करके इस तरह, ये हमारे पास शेप बन गई। देखिए निकात हैं, बस उसके मुताबिक लिखते जाएं, आपको कोई तरह को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया, अब हम निकाल रहे हैं जी तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इधर हम इसके अंदर निकाल लेते हैं तीसरा, तो तीसरे में क्या दिया गया है इसमें निकाल जरा देख लेते हैं। तीसरे में हमारे पास ए जो पॉइंट दिया गया है वो है 4 0, बी दिया गया यहां पे 0 4, ठीक है। फिर सी क्या दिया गया है -4 0, और डी भी है जिसमें अभी तीसरे में, तो डी दिया गया है 0 -4, थोड़ा कंफ्यूज किया उसने, देखा 0 4 को लेके, तो कोई बात नहीं है बनाते हैं हम, तो यहां बड़ा सा बनाते हैं इस तरह, इस तरह ये देखें, अब इसको बनाते हैं,
अब आपको पता है यहाँ पे x है, यहाँ x माइनस है, यहाँ y है, यहाँ y माइनस, पहले चार जीरो है जी, तो चार गिने x में, एक दो तीन चार, तो जीरो अपनी जगह पे रहा ना ये, तो x तो जीरो ही है, इधर ही पॉइंट लगेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है जीरो चार, तो x जीरो है, y चार है, एक दो तीन चार, तो ये हमारे पास जनाब इधर लग गया ये जीरो चार, चार ऊपर जाना है ना, तो x तो जीरो है, x को नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह पे रहेगा, इधर ही जीरो पे बढ़ेगा ना x, तो y चार ऊपर चला गया। अच्छा अब सी माइनस चार जीरो, तो क्या माइनस चार इधर कौन है, एक दो तीन चार, तो ये माइनस चार है और x जीरो है, इसलिए इसको आप पॉइंट यही मान जाएगा जी। अब क्या क्या कहा जा रहा है, जीरो माइनस चार, तो जीरो x तो जीरो ही है, तो y माइनस चार, तो नीचे आए एक दो तीन चार, तो ये आपका जो y है वो माइनस चार इधर आ गया। अब आप शेप बना लें तो देखें, ये बिल्कुल आपने ना रूलर लेना है, स्टिक लेके ना फुट्टा, तो बिल्कुल आपने सीधी लाइन लगा लेनी है, हाथ का अगर अच्छा कंट्रोल है आपका तो आप हाथ से बना लें। तो तीन चीजें आपकी यहां पे मुकम्मल हो गई जी। अब हम आ जाते हैं चौथी चीज पे, तो चौथी चीज में क्या हमें यहां पे माउंट्स दी गई हैं, आज देख लेते हैं। ए जो हमें दिया गया वो है 10 6, जो बी दिया गया वो है माइनस 10 6, फिर हमें सी दिया गया वो है माइनस 10 माइनस 6, ठीक है जी, और फिर हमें डी दिया गया वो है 10 कॉमा माइनस 6, तो ये 10 माइनस 6 हमारा लास्ट आ गया डी वाला। चलिए अब बनाते हैं जी, ये देखें जरा हमारे पास जगह काफी है, अब जरा बड़ा बनाते हैं इसको, ये देखें x x माइनस और y y माइनस। पहला नुकता ले जी 10 6 पे, तो 10 x है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये 10 x आ गया, और y जमा 6 है, तो एक दो तीन चार पांच छ, तो ये देखें जरा ये इस तरह से जाके ये ग्राफ, ये नुकता हमारा पहला बना, इधर बनना है जी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, माइनस 10 और 6, तो माइनस 10 जाना हमने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये माइनस 10 और 6 ऊपर को, एक दो तीन चार पांच जी, तो वही है, इधर को आ जाएंगे हम, तो ये हमारा बनेगा इधर, ये देखें। अब माइनस 10 और माइनस 6, तो माइनस 10 इधर ही है, माइनस 6 कहां, y नीचे, एक दो तीन चार पांच छ, तो ये देखें जरा ये माइनस 10 और माइनस 6, ये पॉइंट बन रहा है। अच्छा अब 10 माइनस 6, 10 x है, एक दो तीन, 10 ये है, तो माइनस 6 नीचे ही आएगा फिर, तो फिर ये इधर आ जाएगा जी, ये यहां पे आके मिलेगा आपस में, तो ये पॉइंट यहां बन गया। अब इनको आप मिला दें, ये हमारे पास शेप आ गई इस तरह से, ये देखें गौर कर रहे हैं आप, शेप्स बन रही हैं, मजे की बात समझे। यहां जो आपके पास LCDs और आप देखते हैं मोबाइल्स देखते हैं स्क्रीन्स देखते हैं, उन स्क्रीन्स के ऊपर जो शेप्स बनती हैं और जो आपको कलर नजर आते हैं, ये सारी शेप्स की बुनियाद ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया जी, इसके साथ ही हमारे 9.1 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गए।